नमस्कार सभी किसान साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्टिव फार्मर पे। किसान साथियों, आज अपने इस वीडियो के अंदर बात करेंगे जो रवि सीजन के अंदर लगाई जाने वाली सभी जो फसलें हैं, अनाज वाली फसलें हैं, उनकी जो अपने खरपतवार से किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं और उनके लिए कितना डोज रखना है, कौन कौन से खरपतवार नाशक है और अपने को किस स्टेज के अंदर उनके अंदर स्प्रे करना है, तो इन सभी बातों की चर्चा आज अपने इस वीडियो के अंदर करेंगे। वीडियो में बने रहे, वीडियो को पूरा देखें। वीडियो आपको अच्छी लगे तो दूसरे किसान भाइयों तक भी आप शेयर कर दें ताकि सभी किसान भाइयों तक एक अच्छी जानकारी है वो पहुंच सकते हैं। किसान भाइयों, अपने इस वीडियो के अंदर जो आपको बात करेंगे और कंपनी का नाम बताएंगे, आप उसी कंपनी की बढ़िया जो दवाई है वही अपने इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं इस सीजन के अंदर कौन कौन सी जो फसलें हैं, जो मुख्य फसलें हैं वो लगाते हैं किसान भाई। इसके अंदर मूंग है, मूंगफली है, सोयाबीन है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, गन्ना है, जैसे धान है, कपास है या गवार है, इस तरह की जो अपने फसलें हैं इसमें लगाते हैं। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं जो मेरे पीछे जैसे धान लगा हुआ है, ऑलमोस्ट सभी जगह धान लग चुका है, लेकिन धान के अंदर क्या है, कुछ किसान भाई जो प्री एमरजेंस है, जो घास उगने से पहले जो दवाई डलती है वो डाल नहीं पाते हैं, तो उसके लिए उनको कौन सी दवाई यूज़ करनी है। पहले अगर प्री में कर रहे हैं तो उनके लिए सबसे बेस्ट है पर्टिला क्लोर 37%, जो एक ऑयल बेस होती है और 600 ml पर एकड़ के हिसाब से उसका जो है वो डोज है वो चलता है। और इसका खर्च की भी बात करें तो ये 500 से 600 रुपये इसका खर्च आता है। अब ये तो होगी धान के अंदर प्री एमरजेंस, जो घास उगने से पहले की होती है। अब पोस्ट एमरजेंस की बात करें तो इसके अंदर 2-3 कंपनियों की अच्छी अच्छी दवाई आती है। सबसे अच्छा जो कई सालों से जो चल रहा है वो PI कंपनी का नोमनी गोल्ड के नाम से आता है, जिसके अंदर 20 पायरीबैक सोडियम 10% होता है। उसका अपने चौड़ी पत्ती और पतली पत्ती दोनों को ही कंट्रोल करता है और उसकी अगर डोज की बात करें तो वो 1 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से उसकी डोज है वो जाती है। और अगर बात करें उसका तो वो 1 लीटर अपने 5 एकड़ की जो डोज है वो होती है, 5 से 7 एकड़ के अंदर उसका चलता है। उसकी खर्च की बात करें तो यही तकरीबन 700 से 800 रुपये पर एकड़ के हिसाब से उसका खर्चा जो आता है। नोवोलैक्ट के नाम से कोर्टेवा कंपनी की दवाई आई है पोस्ट इमरजेंस, जिसके अंदर जैसे तकरीबन इस जो साल है कुछ सालों में DSR की जो बिजाई है वो बड़ी है धान के अंदर, तो उसके अंदर जो नोवोलैक्ट के अंदर टेक्निकल की बात करें फ्लोर पायरी रोक्सीफेन है जो वो है वो 2.13% और उसके अंदर एक है साई हेलो फोप ब्यूटाइल जो है 10.64% के अंदर। ये लिक्विड फॉर्मुलेशन, इसी फॉर्मुलेशन के अंदर दवाई है, इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अगर खर्च की बात करें तो ये तकरीबन इसका जो खर्च आता है वो तकरीबन 1500 रुपये पर एकड़ के हिसाब से आता है। और इसकी अगर डोज की बात करें अपने तो इसकी 500 ml 150 लीटर से लेकर 170 लीटर तक एकड़ के हिसाब से जो पानी जाता है, और एकड़ की डोज है 500 ml एकड़ के हिसाब से। किसान भाइयों, मैं हर वीडियो के अंदर आपसे जिक्र करता हूँ, आप जो भी डोज है वो आप पानी के हिसाब से रखें, क्योंकि पानी के हिसाब से कोई किसान भाई है जो एकड़ के अंदर 120 लीटर पानी यूज़ करता है, कोई किसान भाई 160 लीटर पानी यूज़ करता है। तो आप डोज है जो वो कोई भी फसल के अंदर इंसेक्टिसाइड है, फर्टिलाइजर है, PGR है, हर्बिसाइड है, वो पानी के हिसाब से आप उसका अंदर डोज रखें। ये तो होगी धान की। अब बात आती है अपने भी कपास और ग्वार के अंदर, जो ग्वार है उसके अंदर कौन से जो पतली पत्ती और चौड़ी पत्ती के जो खरपतवार नाशक है। आप कोशिश ही रखें जब भी खरपतवार नाशक दवाई यूज़ करें पोस्ट इमरजेंस, तो आप उसको ध्यान में रखना है ज़मीन के अंदर पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए। दूसरी बात, जो खरपतवार की स्टेज है वो 4 से 6 पत्ती 8 पत्ती ही होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा अगर खरपतवार होगा तो वो कंट्रोल नहीं होगा। तो इसके अंदर सबसे बढ़िया जो है वो आप अडामा कंपनी का एजिल आता है, जिसके अंदर प्रोपाक्यूजा फोप जो होता है वो 10% होता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसकी जो डोज रखनी है वो 2 ml पर लीटर पानी के हिसाब से रखनी है। यही आप कपास के अंदर रखेंगे, पतली पत्ती का खरपतवार है, नाशक है। और अगर चौड़ी पत्ती की बात करें तो इसके अंदर पायरीथायोबैक सोडियम जो आता है गोदरेज कंपनी का हेटविड के नाम से आता है, ये भी आप इसका जो है वो यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों मिला के डालेंगे, उसका जो डोज है हेटविड का वो अपने को रखना है, जो कपास के अंदर रखना है वो 1 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से रखना है। अगर ग्वार की बात करें तो वो रखना है अपने को 0.75 ml
पर लीटर वाटर के हिसाब से, यानी 100 लीटर पानी के अंदर अपने को 75 ml हिटवीड का यूज है वो करना है। मैंने गुवार में यूज किया है और उसका एक अच्छा रिजल्ट जो देखने को मिला है, और मैंने पानी के हिसाब से डोज डाली थी, और पर बीघा की मैं बात करूं 5 कनाल के अंदर तो मैंने 60 लीटर ही पानी यूज किया, तो और बहुत ही शानदार रिजल्ट आया, और जमींदार की जो कॉस्ट है वो भी एक अच्छी कॉस्ट बचती है। आप बाजार में दुकानदार आपको दे देते हैं 200 ml आप एकड़ के हिसाब से, बीघा के हिसाब से, या 400 ml एकड़ के हिसाब से यूज करो, तो उसके अंदर क्या होता है वो पानी डालता है कम जमींदार किसान भाई है, और डोज वो बढ़ जाती है, तो उस हिसाब से फसल की कई बार रुकावट आ जाती है, पीलापन आ जाता है। तो आप कोशिश यही रखें, एक तो डबल फुहारा है जो ढोलकी का फुहारा है वो डबल ना लगाएं, सिंगल फुहारे के साथ स्प्रे करें, आप बारीक फुहारे के साथ आप स्प्रे करें। ये बात होगी भी अपनी गवार और कपास की। अब अपने बात करते हैं इस समय जो लगने वाली जो फसलें हैं उसके अंदर, जो मूंग है, मूंगफली है और सोयाबीन है, इसके अंदर दो ही कंपनियों की प्रॉपर जो दवाइयां हैं वो आती है। उसके अंदर सबसे पहले अपने बात करते हैं UPL कंपनी का, आयरिस के नाम से आता है, आयरिस आता है, और सवाल कंपनी का पटेला के नाम से आता है। ये अपने को यूज करनी है, इसके अंदर चौड़ी पत्ती और पतली पत्ती दोनों ही खरपतवार जो अपने को कंट्रोल देखने को मिलती हैं। अगर अपने टेक्निकल की बात करें तो आयरिस के अंदर जो टेक्निकल है वो है सोडियम एसीफ्लुरोफेन जो होता है 16.5% के अंदर, और अगर उसके अंदर दूसरा टेक्निकल बात करें तो क्लोडनोफोप प्रोपराइजल होता है वो 18% होता है, इसी फॉर्मुलेशन के अंदर है, तो दोनों के अंदर सेम टेक्निकल है। अगर इसके डोज की बात करें तो 400 ml एकड़ के हिसाब से इसकी डोज होती है, और अगर खर्च की बात करें तो इसका जो खर्च है वो तकरीबन यही 700 रुपये एकड़ के हिसाब से इसका खर्चा आता है, 600 से 700 रुपये एरिया वाइज अपने अकॉर्डिंग टू दवाई है वो बढ़ घट सकती है। एक दो कंपनियों की दानुका की भी अभी इस बार आई है, लेकिन ज़्यादातर जो ब्रांड है वो सवाल का पटेला और UPL का आयरिस है, ये ही यूज़ होता है सभी जगह। तो ये तो होगी किसान भाइयों अपनी मूंग की, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, गवार, धान की। अब अपने बात करते हैं जो गन्ना के किसान हैं, जो ज्वार लगाते हैं, जो बाजरा लगाते हैं, उसके लिए जो सबसे अच्छा टेक्निकल है वो क्या है। इन फसलों के अंदर चौड़ी पत्ती की अगर बात करें तो अपने एट्राजीन आता है, एट्राजीन की अगर डोज की बात करें तो 250 ग्राम 100 लीटर पानी के हिसाब से अपने को, वेटेबल पाउडर फॉर्म के अंदर आती है, 100 ग्राम जो आती है 100 लीटर पानी के अंदर 250 ग्राम अपने को यूज करना है। उसका ज़्यादा खर्च नहीं होता है, 140 से 150 रुपये 250 ग्राम के लगते हैं, ज़्यादा खर्च नहीं होता है। उसके अलावा पतली पत्ती के खरपतवार के लिए अपने को इसके अंदर जो यूज़ करना है लोडिस के नाम से, बायर का, ये आप अकेला भी यूज़ कर सकते हैं, ये दोनों कंपनियों को, दोनों पतली पत्ती और चौड़ी पत्ती दोनों ही खरपतवारों को कंट्रोल करता है। इसके अंदर जो टेक्निकल होता है वो टेम्बो ट्रीवन के नाम से एक टेक्निकल होता है लोडिस के अंदर, जो एक लिक्विड फॉर्म आती है उसके अंदर तो 42% SC फॉर्मुलेशन के अंदर होता है, और पाउडर फॉर्म के अंदर आती है उसके अंदर 34.4% जो पाउडर के अंदर जो होता है ये अपने को यूज करना होता है। अगर एक और सिजेंटा कंपनी का आता है, इसकी डोज की बात करें तो 115 ml प्रति एकड़ के हिसाब से जो लोडिस का जो डोज है वो जाता है, और अगर इसका एक सिजेंटा कंपनी का आता है, दोनों ही टेक्निकल जो इसके अंदर मिक्स होते हैं, एक इसके अंदर मिक्स होता है मिसोट्रिवन जो होता है वो होता है 2.27% जो ये पतली पत्ती को कंट्रोल करता है, उसके साथ में एक होता है इसके अंदर एट्राजीन 22.7% जो होता है वो होता है एट्राजीन, ये जो दोनों मिलके पतली पत्ती और चौड़ी पत्ती का अच्छा कंट्रोल है वो करते हैं। तो ये थी मेनली जो खरपतवार नाशक। अब दो कंपनियों का और भी आता है, जैसे सैम्प्रा है, तो कुछ किसान भाइयों की दिक्कत ये रहती है भी खेतों के अंदर जो मोथा घास होता है वो कंट्रोल नहीं होता है, उसके लिए दानुका कंपनी का आता है सैम्प्रा। सैम्प्रा की अगर डोज की बात करें तो ये 36 ग्राम की जो पाउच होता है वो अपने एकड़ के हिसाब से इसको यूज़ करना होता है, और अच्छा रिजल्ट अपने को देखने को मिलता है मोथा के ऊपर। अगर इसके अंदर टेक्निकल की बात करें तो हेलो सल्फुरान जो होता है वो होता है मिथाइल 75% जो इसके अंदर होता है, और अच्छा कंट्रोल अपने को मोथा के ऊपर देखने को मिलता है। ये अपने गन्ना के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, बाजरा के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, अपने ज्वार के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये वीडियो आपकी अच्छी लगे तो दूसरे किसान भाइयों तक शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।